4 जुलाई को दरभंगा में सराफ मेटर्निटी सेंटर में निसंतान का मुफ्त परामर्श शिविर लगाया गया। इस शिविर में कई मरीज ने इस शिविर का लाभ उठाया। शिविर में डॉक्टर प्रियंका सराफ ने कई जानकारी दी। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। को हमने इनफर्टिलिटी कैंप यानी निशांतानता के लिए कैंप आयोजित किया है, जिसमें हम वैसे मरीजों को मुफ्त में परामर्श दे रहे हैं और उन्हें सलाह देंगे कि आखिर वो उनके मतलब उनके माँ मतलब पेरेंट्स बनने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन्हें हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हम लोग प्राइमरी जाँच होती है और कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जो हम लोग पेशेंट्स को करते हैं, दोनों मेल और फीमेल जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों की जांच करा के फिर हम लोग देखेंगे कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके अनुसार उनको सलाह दी जाएगी कि वो क्या करें ताकि उनका आगे इलाज हो सके। कि हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये इसके इंसिडेंस और बढ़ती जाती है। जैसे हम अभी 6 में 1 कह रहे हैं तो वैसे अगर एज बढ़ गया मतलब 40 से अगर अबव हो जाता है, 40 से अबव हो जाता है तो उस वो 1 into 3 हो जाता है। मतलब हर 3 कपल में 1 कपल ऐसे होंगे जिनको बच्चे रखने में कुछ दिक्कतें आएंगी। तो कितने उम्र तक के कपल आप संपर्क कर पाएंगे उन्हें खाना? आजकल की जो नई टेक्निक्स है उसके अकॉर्डिंग हम तो उन 50 साल तक की फीमेल्स हम लोग हमारे यहाँ गर्भवती हो सकती हैं। कुछ ऐसे टेक्निक्स आ गए हैं जिससे उम्र का अब कोई सीमा नहीं है, पर ये इसलिए हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि लोग समय पे इलाज लें। तो अगर वो समय पे ले लेंगे तो उनको इतनी ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि वो 30 से 35 के बीच में अगर हैं तो वो परामर्श लें अगर उन्हें दिक्कत आ रही है तो, और 35 से 40 में अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो कुछ हेल्प के थ्रू कंसीव कर जाए। क्योंकि 40 के बाद क्या होता है कि अंडे होते हैं और शुक्राणु होती है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसके कारण अगर बच्चा ठहर भी जाएगा तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें इंटेलिजेंस उतनी नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी खराबी होती है जिसके कारण उनका अर्ली गर्भपात होना या और कुछ प्रॉब्लम्स होना, बच्चे का उतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं होना, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वो समय अपनी शादी के 5 साल के विदिन अगर वो कंसीव करना चाह रही है तो वो डॉक्टर से आके जरूर मिले। नाम बताया जाए? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका भारती सराफ, मैं यहाँ सराफ मैटरनिटी सेंटर में कंसल्टेंट हूँ।